हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में, जो आपको सेफ्टी इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्यूजेस का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए आपको आंसर देना है कि सर्किट को ओवरलोड होने से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्यूजेस का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर क्या है। तो इसके लिए आप आंसर दे सकते हो कि इलेक्ट्रिकल करंट जो फ्लो है उसको स्टार्ट करने का और स्टॉप करने का ये एक डिवाइस है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर वाटर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको आंसर देना है कि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, और अगर हम उसका इस्तेमाल अगर इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर अगर करते हैं तो उसकी वजह से ही शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसी वजह से जो है हम इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि पावर केबल को आपको जो है फ्लोर के ऊपर नहीं रखना है, इसके आपको दो रीजन बताने हैं। तो इसके लिए आप आंसर दे सकते हो कि अगर हम फ्लोर के ऊपर पावर केबल अगर रखते हैं तो उसकी वजह से जो है वो वहां पर केबल जो है वो डैमेज हो सकता है, या फिर उसकी वजह से ट्रिपिंग हजार्ड जो है वो भी क्रिएट हो सकता है। तो इस कारण की वजह से जो है हमें पावर केबल को कभी भी फ्लोर के ऊपर नहीं रखना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर दो मेथड्स बतानी है कि जो आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा वो भी शॉक के रिस्क के अगेंस्ट में, लेकिन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल ट्रिप डिवाइसेस जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसी दो मेथड्स क्या है? तो इसके लिए आप बता सकते हो कि रबर मेट्स का जो है हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा है कि रबर बूट्स को भी हम यहाँ पर पहन के जो है यहाँ पर हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फाल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से पर्सनल शॉक और इलेक्ट्रिकल फेलर जो है वो हजार्ड क्रिएट होता है, लेकिन इसको छोड़ के ऐसे कौन से दो हजार्ड्स है वो यहाँ पर जो है इसकी वजह से हो सकते हैं, तो वो आपको बताने हैं। तो इसके लिए आप बता सकते हो फायर हजार्ड और दूसरा है एक्सप्लोजन। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि डबल इंसुलेटेड जो अप्लायंसेस है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो उसके लिए आप आंसर दे सकते हो कि डबल इंसुलेटेड जो अप्लायंसेस है उसके ऊपर मार्क होता है 2 स्क्वायर, और इसमें एक जो स्क्वायर है वो दूसरे स्क्वायर के इनसाइड में होता है। तो इस तरीके से जो है हम डबल इंसुलेटेड जो अप्लायंसेस है उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल जो पावर टूल है उसका इस्तेमाल करने से पहले जो है हमें उसको एग्जामाइन करना काफी जरूरी होता है, ताकि हम उसमें पॉसिबल डैमेज क्या है वो वहां पर चेक कर सके। तो ऐसे उस इलेक्ट्रिकल पावर टूल में ऐसे कौन से दो प्राइम एरियाज है जो आपको बताने हैं। तो उसमें आप बता सकते हो कि टूल को इस्तेमाल करने से पहले हमें उसमें देखना है कि प्लग में जो है कहीं डैमेज तो नहीं है, और दूसरा है पावर केबल, उसको भी हमें चेक करना है कि उसमें भी कहीं डैमेज तो नहीं है। तो इसको हमें एग्जामिन करना काफी जरूरी होता है जब भी किसी टूल्स को हमें इस्तेमाल करना हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि कन्फाइन स्पेस के अंदर जो भी हम पोर्टेबल हैंड लैंप का जो इस्तेमाल करते हैं तो उसका मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो क्या रिकमेंड किया गया है। तो इसका आंसर आप दे सकते हो कि 25 वोल्ट वो भी एसी और 50 वोल्ट वो भी डीसी, इससे ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि कोई अगर पर्सन उसको इलेक्ट्रिक शॉक अगर रिसीव हुआ है और अभी भी जो है वो लाइव सर्किट के कांटेक्ट में अगर है तो उस वक्त जो है आप क्या करोगे। तो इसके लिए आप आंसर दे सकते हो कि अगर पॉसिबल अगर हो सके तो मैं करंट का जो सप्लाई है उसका जो स्विच है उसको मैं सबसे पहले ऑफ करूंगा, और अगर ये पॉसिबल अगर नहीं होता है तो उस पर्सन को जो है लाइव सर्किट का जो कॉन्टैक्ट है उससे मैं वहां पर रिमूव करने की कोशिश करूंगा, वो भी नॉन कंडक्टर से। और फिर उसके बाद जो है आर्टिफिशियल जो रेस्पिरेशन है उसको मैं उसके ऊपर अप्लाई करूंगा। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से 4 फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक की जो सीरियसनेस है वो यहां पर इंक्रीज हो जाती है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि वोल्टेज हो गया, एसी या फिर डीसी करंट हो गया, थर्ड है इंडिविजुअल पर्सन की यहाँ पर हेल्थ, और फोर्थ है करंट का मैग्नीट्यूड। तो ये जो है ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक शॉक की जो सीरियसनेस है उसको इंक्रीज करती है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल पावर के साथ काम करने के 3 हजार्स क्या है उसका नाम बताइए। तो इसमें आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, फायर हो गया और एक्सप्लोजन हो गया। तो इन हजार्स का जो है सामना करना पड़ सकता है जब भी हम इलेक्ट्रिकल पावर के साथ में काम करते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो टेस्ट है इसका पर्पोज क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फेज और न्यूट्रल जो कंडक्टर्स है वो अर्थ में लीक तो नहीं हो रहे हैं, तो इसको इंश्योर करने का जो है यहाँ पर इसका मेन पर्पोज होता है।
फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि हाई वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर है या फिर स्विच गियर है जो बिल्डिंग के आउटसाइड में है, तो उसको जो है फेंस के द्वारा जो है प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए जो है उस फेंस की क्या मिनिमम हाइट जो है वो यहाँ पर रिक्वायर है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो 2.4 मीटर यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8 फीट जो है यहाँ पर हाइट की जो फेंस है वो यहाँ पर रिक्वायर है। और फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि पुअर लाइटिंग की वजह से जो है कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस है जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे आपको 4 कॉन्सिक्वेंसेस को जो है यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है वो क्या है। तो उसमें आप बता सकते हो कि फटीग हो गया, एरर्स हो गया, स्ट्रेस हो गया और एक्सीडेंट्स हो गया। तो ये जो चारों कॉन्सिक्वेंसेस है इसका हमें सामना करना पड़ सकता है वो भी पुअर लाइटिंग की वजह से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।